प्रेम दिव्य है, वासना पशु तत्व है और मनुष्य इन दोनों के बीच लटका रहता है। जो कुछ भी वह प्रेम के रूप में जानता है वह वासना और प्रेम का मिश्रण है, कुछ पशु तत्व का और कुछ दिव्यता का। इसलिए मनुष्य प्रेम को लेकर बहुत भ्रमित रहता है कि वास्तव में यह है क्या। प्रेम दोनों रूपों में प्रकट हो सकता है, वासना के रूप में, पशु इच्छा के रूप में, तब ये दूसरे को वश में करने, दूसरे का शोषण करने का सूक्ष्म प्रयास है, या ये दिव्य के रूप में व्यक्त कर सकता है, तब ये शुद्ध सुगंध है, प्रार्थना है। इन दोनों चीजों को मिलाने से बचने के लिए एक को बहुत सचेत रहना पड़ता है और एक को लगातार आगे बढ़ते रहना है ताकि पशु तत्व पीछे छूट जाए। धीरे धीरे एक बिंदु आता है, नो रिटर्न का बिंदु, जहाँ से पशुत्व गायब हो जाता है, जहाँ से तुम्हारे भीतर का जानवर जो है गायब हो जाता है, वह तुम्हारा अनुसरण करने लगता है। वह समाधि का क्षण है, सतोरी है, ज्ञानोदय है। तब आप जो भी हैं वह पूरी तरह से दिव्य तो हैं, लेकिन प्रेम ही द्वार है, प्रेम ही एकमात्र ऊर्जा है जो मनुष्य को उपलब्ध है। इसके माध्यम से तुम गिर सकते हो या फिर इसके माध्यम से ऊपर उठ सकते हो। यह एक सीढ़ी की तरह है, या तो नीचे जा सकते हो या ऊपर की तरफ। एक ही सीढ़ी का उपयोग दोनों संभव तरीकों से किया जा सकता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग तुम कैसे करोगे। प्रेम एक महान कला है, इस कला में पशु तत्व को धीरे धीरे पीछे छोड़ देना है और उसी प्रेम को शुद्ध रूप देना है, अपनी आत्मा को खिलाना है और खुद को एक नया जन्म देना है। प्रणाम।